सिर्फ सच। कोई कुछ बोल दे, 50% से एक वोट अगर कम मिलेगी तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव सिर पर है। चुनाव मैदान में ताल ठोकने वाले नेता तैयारियों में जुटे हैं। नेता जनता के सीधे संपर्क में है। चुनावी मौसम के बहाने जनता भी अपने नेताओं से बेहिचक बतिया रही है। नेता भी वादों का पिटारा लिए घूम रहे हैं। कोई विकास के सपने दिखा रहा है, कोई छोटे से छोटे कार्यक्रमों में समय देकर मेजबानों का मान बढ़ा रहा है। कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा के कुनबे में पहुंचे विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक को ही ले लीजिए। ग्राम परसवाड़ा के विकास पर्व कार्यक्रम में उन्होंने बड़ी बात कह दी, आप खुद ही सुनिए। जब इस विधानसभा क्षेत्र के 50% से ज्यादा लोग बोलेंगे कि भैया आप चुनाव लड़ो, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। कोई कुछ बोल दे, 50% से एक वोट अगर कम मिलेगी तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। और ये वोटिंग मैं अभी इसी अगले महीने कराने जा रहा हूं। बकायदा वोटें छत के आएंगी, घर घर बांटी जाएंगी। जब तक 51% दादा कहते हैं 70% लोग बोलेंगे, मैं बोलता हूं 100% बोलेंगे, लेकिन 51 से 50 का करना। 50 के नीचे अगर मेरे को खुद वोटिंग करा रहा हूं, लिख के भेज रहा हूं वोट बना के ऐसे कि चुनाव लड़े या ना लड़े टिक लगा। अगर आपने टिक लगा दिया कि नहीं लड़ू, और वो टिक यानी कट्टस लगा दिया, वो कट्टस अगर 50% पहुंच गया तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। और अगर राइट का निशान यानी कि लड़िए और वो 50% से ऊपर हुआ तो ही चुनाव लड़ूंगा। मेरी वोट बन के आएगी, सबसे निवेदन है, उस वोट में कोई निशान मार्किंग नहीं रहेगी, सबको ही वोट डालना। घर घर बटवाऊंगा, पेटी भी पहुंचेगी, कंकड़ा में छेदा करके भेजवाऊंगा, हाँ, ताकि पता न चला कुआ डाली थी, कोई के अंदर लपेट के डाल देना चेक लगा कि संजू भैया लड़ो कि नहीं लड़ो। और उसको फिर पब्लिक के बीच में फलवाऊंगा, और पब्लिक के बीच में फलवा के और वहीं गिनवाऊंगा। जब 1-1.5 महीने बाद रिजल्ट आएगा उसके बाद चुनाव का निर्णय करूंगा कि हमको 51% से ज्यादा पूरे विधानसभा क्षेत्र से वोट मिलती है तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो विधायक के लिए चुनाव का फॉर्म ही नहीं भरूंगा, आज घोषणा कर रहा हूं। आपने सुना, भाजपा सरकार में मंत्री रहे संजय पाठक ने ऐलान कर दिया है कि अगर प्री पोल 50% से एक वोट भी कम मिला तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के मुताबिक संजय पाठक के इस ऐलान को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल राजधानी से लेकर राजधानी तक ये सुगबुगाहट तैर रही है कि इस बार पार्टी कई कद्दावर विधायकों और मंत्रियों के टिकट काटने के मूड में है। इस कानाफूसी को अब नेता मजबूत फैसला मानकर कुछ ऐसे कदम भी उठा रहे हैं जिससे उनके विधानसभा चुनाव से दूरी बनाने की राह भी बन जाए। बहरहाल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा भाजपा के कई नेताओं की तस्वीर साफ होती जाएगी, तब तक ऐसे ऐलान कानों तक पहुँचते रहेंगे। फिलहाल तो विधायक संजय पाठक का ये ऐलान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। सिर्फ सच।